हेलो माय, तो यहाँ पे ये देखिए एक काउ, तो यहाँ पे ये देखिए फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जब बारिश होगी कभी क्या होता है कि बिसल आती ही नहीं और है। एक दो बार चला के फिर उसको मैं इसमें मसाला करता है। तो वैसे तो मैं ये आज एक खस्ता वाली पूड़ी बना रही हूँ, तो मैंने एकदम से समोसे वगैरह होते हैं उस तरीके से इसका स्वाद आता है, बहुत अच्छी पूड़ी बनी थी। तो पहले तो मैंने छोले बनाए थे, तो मैंने चावल के साथ थोड़ा खाया था, उसके बाद मैंने भात भी बने थे, पूड़ी भी बने थे, तो इस छोले और पूड़ी के साथ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम चैनल लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए हो रही है बारिश, इससे पहले काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, उसके बाद ये अब थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पे ये देखिए एक काऊ जा रहा है रोड पे, तो वही मैं यहाँ पर बेटू को दिखा रही थी अपने बच्चे को। और ये देखिए बारिश अभी भी मतलब हो रही है, लेकिन इससे पहले काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है जब बारिश वगैरह होता है। तो यहाँ पे ये देखिए एक क्रो कैसे आके यहाँ पे पानी की टंकी के पास बैठ गया है। और यहाँ पर क्या होता है अक्सर ही, मतलब ये क्रो हुआ, पिजन हुआ, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, सारे बर्ड्स जो होते हैं इसी पानी की टंकी पे आके बराबर बैठते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर सा ये सारे प्लांट्स लग रहे हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी कितना सुंदर लग रहा है। और जो इसमें बारिश की मतलब जो बूंदें गिर रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मोती गिर रहे हों, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो जाता है। और ये देखिए बारिश के मौसम में जब बारिश वगैरह होता है तो पेड़ पौधे जो होते हैं कितने सुंदर लगते हैं दिखने में, मतलब ग्रीनी ग्रीनी सा काफ़ी हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है। इस समय पेड़ पौधे भी देखने बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर सा मौसम लग रहा है। और अगर मोबाइल हाथ में है तो बिना कैप्चर मतलब कि ये मन ही नहीं मानता है। हाँ ये होता है कि थोड़ा बहुत ज़रूर कैप्चर कर लो, मेरे साथ तो ऐसा ही, अगर मोबाइल हाथ में है तो मैं थोड़ा बहुत ज़रूर बारिश के मौसम का व्यू जो है कैप्चर कर ही लेती हूँ। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जब बारिश वगैरह हो रही थी तो मैं इधर लंच बना रही थी, तो लंच में सब कुछ मैंने बना लिया था, बस सब्ज़ी बनाना बाकी था। तो मैं आज यहाँ पे तरोई की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे वही तरोई को जो है मैंने कट कर लिया है। और जब बारिश वगैरह हो रहा था उसी बीच में मैंने यहाँ पे सब्ज़ी जो है कट कर लिया है, फिर एकदम सिंपल सी सब्ज़ी बना रहे हैं। क्या होता है ये हरी सब्ज़ियाँ जो होती हैं, तरोई भिंडी, अगर आप इसको सिंपल ही बनाओ, लौकी वगैरह, तो भी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और मेथी जीरा का तड़का दिया, हींग डाला है उसमें, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर तरोई की सब्ज़ी को ऐड कर दिया है जो मैंने कट किया था। और उसके बाद सॉल्ट, थोड़ा सा मतलब रेड चिली पाउडर बिल्कुल ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली जो है नहीं ऐड किया है इसमें। बस इसको ढक के रख देंगे मीडियम आंच पे, ये धीमे धीमे आराम से पकता रहेगा। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। तो मैंने इसको क्या किया, बहुत ज़्यादा मैंने एकदम सूखा नहीं किया है, थोड़ा बहुत मैंने ऐसे रख दिया है। और ये देखिए फिर यह है रात का समय, तो यहाँ पर मैं ये छोले वाले चने जो होते हैं मैं उसको यहाँ पर भिगो रही हूँ। तो फिर ये सीधे उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है, मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जो छोले हैं उसको बॉयल कर लिए हैं। और ये देखिए गैस काउंटर टॉप जो यहाँ पर इंडक्शन के पास का, ये काफ़ी गंदा हो रखा है, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। क्योंकि इस समय मेरे कुकर में क्या हो गया है कि जब ये सीटी देता है, जब इसमें बिसल आती है तो काफ़ी छींटे निकलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बिसल आती ही नहीं है, तो फिर दोबारा से बंद करना पड़ता है, ढक्कन तो आ भी जाती है, कभी कभी तो बंद करने के बाद भी नहीं आती है। तो इस समय अगर कुकर में कोई भी चीज़ जैसे दाल बनाओ या सब्जी वगैरह बनाओ या कोई चीज़ भी मतलब बॉयल करो, तो अच्छे खासे उसके मतलब छींटे निकल जाते हैं। तो ये देखिए काफ़ी गंदा हो रखा है बगल में, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। अभी अगर मतलब क्या होता है कि साफ़ भी अगर कर दिए हैं लेकिन फिर कुछ बना रहे हैं तो तुरंत, फिर अगर कुकर में बना रहे हैं तो सीटी से फिर तुरंत गंदा ही हो जाता है, तो ऐसा लगता है साफ़ ही नहीं हुआ है, तो माइंड आप लोग मत करिएगा। और उसके बाद ये देखिए मैंने छोले बनाने के लिए क्या किए हैं, मस्टर्ड ऑयल मैंने अच्छे से गर्म कर लिए थे, फिर मैंने उसमें जीरा, हींग और तेज़पत्ते का तड़का दे दिया है, वो अच्छे से हो गया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लाइस में कट किए हैं अनियन को,
तो मैंने उसको एक मीडियम साइज़ का अनियन है मैंने उसको कट किया है। फिर मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। फिर मैं यहाँ पर मसाले के पेस्ट में लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च और सब्जी मसाला और धनिया पाउडर सब कुछ मैंने इकट्ठा करके ही पीस लिया है इसमें। तो इन सब का ये पेस्ट रेडी हो गया है। और फिर ये क्या हुआ कि काफ़ी मतलब थिक लग रहा था तो मैंने इस पर पानी डाल के इसको अच्छे से हिला लिया है। फिर उसके बाद फिर मैंने ये मसाले के पेस्ट को इसमें पैन में डाल दिया है। तो ये देखिए मसाले में मैं ऐड कर दूंगी। और उसके बाद ही अभी मसाले के पेस्ट में जो मैंने निकाला उसके बावजूद भी अभी भी मतलब क्या है कि कुछ जार में लगे हुए हैं मसाले, तो उसमें मैं पानी डाल के और एक दो बार चला के फिर उसको मैं इसमें मसाले में ऐड कर दूंगी। बाकी जो मसाले हैं वो भी इसमें मतलब अच्छे से आ जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है मतलब बड़े साइज़ का मैंने दो टमाटर जो है कट करके इसमें मैंने डाल दिया है। और उसके बाद फिर तुरंत मैंने सॉल्ट डाल दिया जिससे टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और फिर मसाले को मैं अच्छे से काफ़ी देर तक भूनूंगी। और यहाँ पर ये मैं कसूरी मेथी जो है ड्राई वाले जो होते हैं उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ चाहे छोले बनाऊँ चाहे कोई भी ग्रेवी वाली का सब्ज़ी में बनाती हूँ तो मैं उसमें ज़रूर ये कसूरी मेथी जो ड्राई वाले होते हैं इसको ऐड करती हूँ। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट जो है एनहेंस हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जो लोग भी नहीं ऐड करते हैं वो लोग ज़रूर इस कसूरी मेथी को ऐड किया करें सब्ज़ी में। इससे किसी भी सब्ज़ी का अगर टेस्ट है तो काफ़ी अच्छा मतलब हो जाता है, एनहेंस हो जाता है उसका टेस्ट। तो यहाँ पर ये देखिए मसाला जो है मेरा अच्छे से भून गया है। और फिर क्या हुआ कि मैंने जो यहाँ पे छोले उबाले थे मैंने अभी इसको आपको दिखाया है, मतलब बहुत अच्छे से मतलब ये सॉफ्ट हो गए हैं। और मैं जब भी छोले या राजमा उबालती हूँ तो अक्सर ही क्या होते हैं कि मतलब ये चने हुए या राजमा हुए ये मतलब अच्छे से सॉफ्ट हो ही जाते हैं क्योंकि मैं 4-5 सीटी मतलब अच्छे से मैं आने देती हूँ। तो इससे बहुत अच्छा मतलब सॉफ्ट हो जाता है। तो फिर बाद में क्या होता है कि जब मसाले भूनने के बाद इसको आप मतलब ग्रेवी में ऐड करते हैं तो बहुत देर तक आपको नहीं पकाना पड़ता है, तो बिसल वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं कुकर में, ऐसे ही कढ़ाई में अच्छे से हो जाते हैं। तो मैंने जो चने बॉयल किए थे पानी में वो पानी मैंने ग्रेवी में ऐड कर दिया है। और जब मैं उबालती हूँ तो उसमें मैं नमक हल्दी तब भी डालती हूँ, और जब मैं मसाले का पेस्ट जो भूनती हूँ उसमें भी मैं नमक हल्दी डालती हूँ। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे मुझे मतलब समझ में आता है मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मेरा नमक जो है दो बार में डालने से एकदम परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर फिर मैंने रख दिया कुकर में चावल बनने के लिए, और इधर हमारी ये छोले वाली सब्ज़ी जो है पक रही है। तो ये देखिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे इधर कुकर में चावल रख दिया है तो अब इधर ये चावल बनता रहेगा। और अभी क्या है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं पूड़ी बना लूँ। क्या हो रहा है आजकल मौसम जो है बारिश का हो रहा है तो ये पूड़ी पराठे ये सब ज़्यादा खाने का मन करता है। वैसे तो मैं बहुत कम बनाती हूँ पूड़ी, लेकिन आजकल ऐसा है कि ये बारिश के मौसम में मतलब मेरा खुद का बहुत मन कर रहा है इस समय पूड़ी वगैरह खाने का। और आजकल क्या हो रहा है 3-4 दिन से मतलब लगातार मतलब क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है, कंटिन्यू तो नहीं होता है लेकिन हाँ बीच बीच में हो ही जाता है। और आज मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ वॉइस ओवर की तब भी आज भी अच्छी खासी बारिश हुई है। तो इस समय मतलब 3-4 दिन से जब भी बारिश वगैरह हो रहा है तो मैं पूड़ी पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ये आज एक खस्ता वाली पूड़ी बना रही हूँ। तो मैंने आटा जो है ले लिया है, इस पर मैंने ऑयल डाला है मोयन के लिए, और ये कसूरी मेथी डाला है और अजवाइन डाला है, और थोड़ा सा मैंने नमक भी यहाँ पे डाला है। तो इन सबको मतलब मैं अच्छे से ऑयल डाल के खूब अच्छे से मिक्स करके मैं इसको फिर पानी डाल के मैं इसको आटा लगा लूँगी। फिर मैं इसकी पूड़ियाँ बनाऊँगी, खस्ता वाली पूड़ी बनेगी। और ये वाली जो पूड़ी बनती है इसका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आता है और बहुत खस्ता रहता है, और मतलब खाने में बहुत ही अच्छा रहता है। ऊपर से मतलब क्या होता है खस्ता रहता है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट रहता है, और बहुत टेस्टी पूड़ी बनी भी थी। तो मैंने इधर सब पूड़ी बना लिया है, ये लास्ट पूड़ी है तो मैं इसको बना रही हूँ। तो इसके बाद फिर ये देखिए एकदम ऑयल जो है पूड़ी बनने के बाद ऐसा हो ही जाता है। तो
यहाँ पर ये ऑयल किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे ये लास्ट पूड़ी है, पूड़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए, मतलब इतना टेस्टी पूड़ी बना था ये, एकदम खस्ता खस्ता होती है, एकदम जैसे समोसे वगैरह होते हैं उस तरीके से इसका स्वाद आता है। बहुत अच्छी पूड़ी बनी थी। तो पहले तो मैंने छोले बनाए थे, तो मैंने चावल के साथ थोड़ा खाया था, उसके बाद मैंने बाद में भी पूड़ी बनाए थे। मैंने सोचा चलो छोले बनाए तो पूड़ी बना लें, छोले पूड़ी अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर मैंने छोले और पूड़ी की थाली लगा दी है, और काफ़ी अच्छे छोले भी बने थे, पूड़ी भी बने थे। तो इस छोले और पूड़ी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।